आओ लाइन में आओ, लाइन में। हाँ सब लाइन में है सब। हाँ एकदम लाइन में ही रहो सब लोग, और सबको मिलेगा पैसा दे देना सबको। एकदम मस्त वाला गाड़ी मिलेगा, एकदम खतरनाक वाला। हाँ चौंकने वाली तो बात है ही गाइस, क्योंकि हम खोल लिए लैम्बोर्गिनी का शोरूम जिसका नाम है लैम्बोर्ग। और यहाँ पे आप लोग मेरा कार सबका कलेक्शन देखेगा, लैम्बोर्गिनी ही लैम्बोर्गिनी पूरा मेरे शोरूम में भरा हुआ है। और कस्टमर का तो लाइन पूरा दुकान में भरा हुआ है, पूरे काउंटर तक। जी हाँ गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग शोरूम में कार सबको सेल करेंगे। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि जितना भी कार है सबका सब एकदम ऊपर रखा हुआ है, एकदम सजाया हुआ। और यहाँ पे एक कार आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा नीचे रखा हुआ क्यों है, और ब्लैक कलर का है और पूरा पूरा शीशा से प्रोटेक्ट करके रखा गया है गाइस। तो गाइस जितना भी आप लोग कार देख रहे हैं अभी, ये सब गाड़ी आप लोग को दिख रहा होगा अलग अलग कलर का है, मगर गाइस ये ब्लैक कलर वाला गाड़ी जो है गाइस इसका दाम बहुत ज़्यादा है गाइस। इसका दाम है $100 मिलियन। जी हाँ गाइस, और जितना भी ऊपर में कार सब रखा हुआ है सबका दाम है गाइस $50 मिलियन। मगर इसका दाम आप लोग देखिए कितना ज़्यादा है, क्योंकि गाइस ये ब्लैक कलर जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी वाला है, और ये कार जो है बहुत कम मिलता है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा रेयर कार है गाइस। ये पूरे सिटी में पूरा का पूरा सिटी में एक ही पीस है, वो भी मेरे शोरूम में गाइस। और यहाँ पर आप लोग देखिए कस्टमर सबका लाइन लगा हुआ है एकदम काउंटर पर है। और यहाँ पे आप लोग देखिए मेरा कितना मस्त काउंटर है, यहाँ पे हम बैठते हैं कस्टमर सबसे डील करते हैं गाइस। तो गाइस देखते हैं इसको कौन कलर का कार चाहिए, तुमको कैसा कार चाहिए लैम्बोर्गिनी का? अरे हमको तो एकदम स्काई कलर का कार चाहिए, मस्त वाला एकदम खतरनाक वाला, हमको प्लीज दे दो जल्दी से। ठीक है हम तुमको दे दे रहे हैं स्काई वाला कार। तो गाइस मेरा एक गैरेज भी है जिसमें मेरा बहुत सारे स्टाफ सब काम करता है, और वो लोग जो है जितना भी कस्टमर है सबको यहाँ से हम भेज देते हैं सबको अपने इस वाले बिल्डिंग में गाइस। और यहाँ पे ऊपर आप लोग, यहाँ पे फ्लोर है और ऊपर जो है मेरा स्टाफ सब है जो कि कार सबको गाइस पैक करता है एकदम, और कोई भी दिक्कत होता हो तो सब सही भी कर सकता है गाइस। और यहाँ पे जो कार सब है ये सब कार हम बस शो के लिए रखे ताकि आदमी लोग खरीदे, और यही सब कार उधर बहुत सारा भरा हुआ है गाइस। तो हम लोग को कभी भी कार का कमी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग का पूरा शोरूम ही है प्रोफेशनल वाला एकदम। तो गाइस इससे तो डील हो गया है, ये चल जाएगा अब मेरे दूसरे बिल्डिंग में लेने के लिए। तो जब तक हम लोग गाइस इसका बात कर लेते हैं गाइस ये वाला कार के बारे में। तो गाइस ये कार जो बहुत ज़्यादा महंगा है और अच्छा है गाइस, तो इसका गाइस चोरी होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। बहुत बड़ा शहर है ये और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और उधर देखिए अभी हम सामने जाते रहेंगे बिल्डिंग आते रहेगा गाइस। पूरे सिटी में वन पीस ये कार है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना होगा, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइस हमको यहाँ पे लेज़र लगाना होगा साइड साइड में। और गाइस आप लोगों को तो पता माइनक्राफ्ट में लेज़र नहीं होता, मगर मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम यहाँ पे लेज़र बना सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा सामान चाहिए होगा, तो वो सामान लेके हम आते हैं। A few moments later. तो गाइस हम सारा का सारा सामान तो लेके आ गए हैं, अब हम लोग को करना क्या है कि मैग्मा ब्लॉक जो है गाइस इससे हम लोग को डैमेज मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग साइड साइड में मैग्मा ब्लॉक पूरा लगा देंगे। तो गाइस पूरा का पूरा मैग्मा ब्लॉक तो लगा दिया, अब हम लोग को जो है ऊपर में कारपेट इस तरीका का लगाना है जैसे मेरा शोरूम का फ्लोर जो है आप लोग देखिए ग्रे कलर का है, तो हम भी ग्रे कलर का लाइट ग्रे कलर का ले लिए हैं कारपेट, और ये कारपेट को लगा देना है ताकि उतना पता नहीं चले कि यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है। तो यहाँ पे हम कारपेट तो लगा दिया, अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे एंड रोड लगा देना है जिससे यहाँ पे लेज़र वाला रुक आए, अगर चोर आए तो उसको डर भी रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हम पूरा का पूरा एंड रोड लगा दिए साइड में, लग रहा है कि लेज़र की तरह है एकदम। और अब हम लोग गाइस कोई चीज़ का खतरा उतरा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे चोर को आटे डैमेज मिलेगा, हम तो नहीं जाएंगे अभी, हम भी खतरा में जा सकते हैं गाइस। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग हम अपना कस्टमर को संभालते हैं और फिर बाद में आप लोग से मिलते हैं। रात हो गई आप लोग देखिए। हाँ गाइस अब हम चलते हैं अपने घर, जितने भी कस्टमर थे गाइस सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब हम घर जाते हैं, उसके बाद गाइस हम सुबह आकर के आप लोग से मिलते हैं और हम चलते हैं अपने घर। द नेक्स्ट डे। तो गाइस सुबह हो चुके हैं, अब हम चल रहे हैं गाइस अपने शोरूम और देखते हैं कुछ हाल चाल, कोई कस्टमर आया है या फिर नहीं आया है, और हम लोग चलते हैं अपने शोरूम गाइस। अरे ये क्या गाइस ऊपर में जितना भी कार रखा होता हमको दिख नहीं रहा है गाइस, यहाँ पे एक भी कार नहीं है गाइस, आप लोग देखिए यहाँ से दिखता था कार सब कार गायब हो चुका है गाइस। और ये तो गाइस यहाँ पे मेरा काला वाला लैम्बोर्गिनी जो था गाइस चोरी हो चुका है, या फिर कोई लेके चला गया पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार देखते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर का शीशा कटा हुआ है, यहाँ पे हम ऊपर चढ़ जाते हैं लेज़र के ऊपर से, तो एंड्रॉइड काम नहीं करता, नीचे वाला हिस्सा काम करता है। तो हम लोग ऊपर चढ़ के देखते हैं गाइस। हाँ गाइस यहाँ पे एक होल है शीशा में, शीशा गाइस कोई काट करके गाइस घुस गया था अंदर, और लैम्बोर्गिनी मेरा गायब है गाइस।
और जितना भी ऊपर था कार सब गायब, और एक भी कस्टमर अभी तक नहीं आया, जबकि 9 बजे तक यहाँ पे कस्टमर का लाइन लग जाता था गाइस। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको अगल बगल स्टोर सबसे पूछना होगा। यहाँ पे कुछ आप लोग देखे थे कि यहाँ पे कोई चोर और आया था, चोरी किया था, तो गाइस हम चलते हैं उधर और पूछ के आते हैं। तो गाइस हम इन लोग से तो पूछ लिया है, यहाँ का जितना भी गाइस शॉपकीपर था सब लोग बताया कि हम लोग तो रात में सो गए थे, जिस तरीके से गाइस हम सोने गए थे घर, वैसे ही सब शॉपकीपर सब सोने के लिए गया था। तो यहाँ तो उन लोगों को पता नहीं है क्या हुआ होगा। हम तो गाइस मेरा घर वहाँ पे आप लोग देखिए, वहाँ से दिख आवाज़ भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए शीशा कटा तो बहुत जोर से आवाज़ आएगा शीशा को फूटने का या फिर काटने का, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं है गाइस। हो सकता है रात में हुआ हो, क्योंकि अगर दिन में होता तो अभी होता थोड़ा देर पहले तो सबको आवाज़ भी आता, और इन लोग कस्टमर सब अगर आया हुआ रहता तो मार पीट देता, मगर कस्टमर लोग नहीं आया है, हो सकता है रात में हुआ। और गाइस अब हमको जाना होगा जल्दी से पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाकर के हमको पुलिस को बोलना होगा कि मेरे शोरूम में गाइस पूरा चोरी हो गया है, उसके बाद गाइस देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम पुलिस सबको तो बता दिया है मेरे बारे में कि क्या मामला हो गया मेरे शोरूम में, और पुलिस वाला बुलाया है, हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चोर को ढूंढेंगे गाइस। एक बार बस वो चोर मिलेगा इस मारेंगे, इतना पूरा मार देंगे गाइस चोर को। तो गाइस एक काम करते हैं हम, अब कुछ तो करने के लिए है नहीं, एक काम करते हैं मेरे गैरेज में जितना लैम्बोर्गिनी सब था रखा हुआ वो सबको हमको ला करके वापस से यहाँ पे लगाना होगा, उसके बाद गाइस आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस हम ढेर सारे लैम्बोर्गिनी ले लिए हैं, आप लोग देखिए 2 स्टैक ले लिए हैं और चलते हैं बाहर। एक मिनट गाइस, यहाँ पे आप लोग देखिए सामने एक ब्लैक कलर का कार पीछे का हिस्सा दिख रहा है। अरे ये तो मेरा लैम्बोर्गिनी जैसा दिख रहा है गाइस, वैसे ही लैम्बोर्गिनी का ब्लैक कलर का गाइस ये तो, और तो गाइस ये तो वही लैम्बोर्गिनी है मेरा जो सो चोरी हो गया गाइस, जो 100 मिलियन डॉलर का था गाइस। और ये कौन है इसके अंदर गाइस, और गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे इसके अंदर चोर भी एक बैठा हुआ है गाइस। अरे क्या गाइस ये तो, अरे कितना स्पीड में गाइस गाड़ी लेके जा रहा है, अरे तो बहुत स्पीड में गाइस गाड़ी लेके चला गया यहाँ पे आप लोग देखिए। और ये क्या, तो गाइस अभी हमको गाड़ी का गाइस पूरा टूटने का आवाज़ आया, पता नहीं हमको लग रहा है वो चोर जो था गाइस बहुत तेज़ी से गाड़ी भगा के लेके गया अभी हमको जल्दी जाना होगा गाइस। और वो गाड़ी एकदम टूटने का आवाज़ आया, ऐसा लगा ना गाड़ी एक्सीडेंट में गाइस हो गया, क्योंकि इतना तेज़ भगा भी रहा था वो चोर गाइस। और यहाँ से हमको सामने से आवाज़ आया था बहुत तेज़ी से गाइस, गाड़ी एकदम लग रहा था क्रैश कर गया पूरा, और सामने हमको लग रहा है यहीं इधर ही कहीं हुआ था एक्सीडेंट। और यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पे हमको हल्का हल्का गाड़ी दिख भी रहा है गाइस, यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे बस के नीचे गाड़ी का हेडलाइट है गाइस। और यहाँ पे हो सकता है अगल बगल चोर हो और हमको देख के वापस से गाइस गाड़ी भगा दें, मगर ये क्या गाइस यहाँ तो अगल बगल खून है। तो गाइस यहाँ पे देखिए पूरा अगल बगल खून है और यहाँ गाड़ी के अंदर कोई है भी नहीं, तो गाइस लगता है वो चोर का एक्सीडेंट हो गया गाइस, इतना तेज़ी चला रहा था कि एक्सीडेंट होने के बाद उसका लाश कहीं दूर फेंका गया है गाइस, पता नहीं क्या था ये। यहाँ पर आप लोग देखिए पूरा खून लगा हुआ है और यहाँ मेरी गाड़ी है 100 मिलियन डॉलर का गाइस, इसको ले लेते हैं इसको। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसको अपने शोरूम में लेके जाते हैं, तो गाइस हम इसको शोरूम में तो ले आए गाइस, अब एक काम करते गाइस इसमें हम देख लेते कुछ खराबी रहा, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ हालत ख़राब तो नहीं हुआ होगा इसका, मतलब टूटा उटा तो नहीं कहीं से। तो गाइस हम इसको चेक कर लिए कहीं से टूटा नहीं, क्योंकि गाइस ये 100 मिलियन डॉलर का गाड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, होगा भी क्योंकि 100 मिलियन डॉलर कम नहीं है गाइस। और यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें एक इन्वेंट्री रहता है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए 2 स्टैक लैम्बोर्गिनी और रखा हुआ है यहाँ पे। और गाइस हमको पता है गाइस एक चीज़, यहाँ जब चोर आया था तो ब्लैक कलर का गाड़ी को चोरी किया मेरा, ये वाला गाड़ी को, और गाइस ऊपर से भी मेरा जितना गाड़ी है सब गायब है। और ये 2 स्टैक जो गाड़ी है ये दोनों यहाँ अपने दूसरे बिल्डिंग से लेके आए, मगर ये दोनों गाड़ी जो ये 2 स्टैक वाला गाड़ी जो है ये सब ऊपर लगा हुआ था गाइस, और चोर जो था गाइस ये सब को ले करके इस गाड़ी के इन्वेंट्री में रख दिया गाइस, ताकि किसी को पता भी नहीं चला अगर वो पकड़ाए तो। मगर गाइस यहाँ पे हम इसको देख लिए, यहाँ 2 स्टैक है गाड़ी का, और ये चोर गाइस बहुत चालाक था, मगर जो भी चोर था और उसका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि जितना गाइस वहाँ पे खून था खून से पता चलता है कि वो बचा नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे हम गाड़ी को अपना वापस से फिर से यहाँ पे लगा देते हैं, शोरूम को जो गाइस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं गाइस।
तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए, हम यहाँ पे अपना लैम्बोर्गिनी को फिर से लगा दिया है। और इस बार गाइस हम एक गलती कभी नहीं करेंगे कि हम अपने घर जा करके सोएंगे। गाइस आज से हम गाइस यहीं पे सोएंगे, या तो इसके बगल वाले बिल्डिंग में एक रूम है जहाँ पे मेरा स्टाफ लोग सोता है गाइस, तो वहीं पे हम सोएंगे गाइस। यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर में भी हम अपना गाड़ी सब लगा दिए हैं। और गाइस अब थोड़ा देर में कस्टमर भी आने ही शुरू हो जाएगा गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।